मैंने हुसैन को सुला सुलू दिया है। इसके साइड पर मैं एक पिलो रखती हूँ ताकि इसको महसूस है मेरी मम्मा मेरे पास ही है। तो मैंने इस लड़के को सुलाया था जो कि उठ के बैठ गया। मुझे लगता है अब इसको भी साथ लेके जाना पड़ेगा किचन में। चले फिर साथ, चले उठ जाए भी उठ। तो चलते हैं किचन की तरफ। तो ये मैंने मैक्रोनी बनाई थी। आप लोग कहते होंगे कि मैं कितनी मैक्रोनी बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत खुश होके खाते हैं, कुछ खा लेते हैं, ये किचन की हालत है। तो चलते हैं पहले किचन को साफ करते हैं। ये लड़का मुझे छुप छुप के देखता है। हमारा ना किचन ऊपर वाले फ्लोर में है, तो ना सीढ़ियों से हुसैन के गिरने का मुझे बड़ा ही होता है कि कहीं गिर ना जाए, तो मैं फिर इसको अपने साथ साथ ही रखती हूँ। और हुसैन किचन में आके अपना हिस्सा डालते हुए क्यों टांग कर दे, क्यों 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 क्यों। जनाब ये है फॉल से मैंने फ्रीजर में रखे हुए थे, फ्रीज कर दिए थे, मैंने धो के रखे हुए थे, लेकिन मैं फिर से एक बार इनको वॉश कर रही हूँ। गर्मियों में ना हम लोग दोपहर के टाइम ना शरबत बना के, मतलब के जूस, किसी भी किस्म का फ्रेश जूस बना लेते हैं, कभी पीच का, कभी फालसों का, इस तरह स्ट्रॉबेरीज वगैरह का जूस बना के हम पीते हैं। ये ना अंदरूनी इंटरनल इम्यून सिस्टम को भी सेट रखता है, और वैसे भी गर्मियों में ये पीना चाहिए। दोपहर के टाइम इंसान वैसे ही जहनी तौर पर गर्म होता है जब बच्चे बड़ा ही तंग करते हैं, इसलिए इसको पीना चाहिए ताकि हमारा दिमाग ठंडा रहे। ये मैंने